है इस बार दोस्ती और प्यार का एंगल, कौन है इनकी कहानी में विलन। नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर जरूर जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। करण अर्जुन तो आप सभी ने देखी होगी, करण अर्जुन का सेकंड पार्ट भी आने जा रहा है। आपको बता दें सेकंड पार्ट में भी करण अर्जुन फिल्म हम सभी को काफी ज्यादा एंटरटेन करती नजर आएगी। साथ ही फिल्म की कहानी कुछ इस तरीके से होगी कि करण और अर्जुन एज यूजुअल बहुत ही ज्यादा पक्के भाई हैं और एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं एक दिन जब करण जाता है कहीं बाहर तो उसे एक लड़की मिलती है प्रीति नाम की, दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों का साथ में उठना बैठना बाहर घूमना फिरना होता ही रहता है। वहीं एक दिन करण प्रीति को मिलवाता है अपने एक दोस्त जतिन से। जतिन प्रीति को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है लेकिन प्रीति के मन में इस तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं आई होती। एक दिन ऐसे ही करण कोई तो पार्टी होस्ट करता है। अब करण ने पार्टी होस्ट करी है तो अर्जुन ना जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। अर्जुन जाता है और वहां पहली बार अर्जुन और प्रीति की एक दूसरे से मुलाकात होती है। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे को देखकर प्यार हो जाता है और ये बात साफ भी थी। खैर इसके बाद जब वो लोग ये बात करण को बताते हैं तो करण ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि अगर आगे चल के दोनों के रिश्ते में जरा सी भी खटास आई तो वो या तो दोस्त या फिर भाई किसी एक को खो ही देगा। लेकिन प्रीति और अर्जुन दोनों मिलकर उसे इतना मनाते हैं तो करण भी मान जाता है। अब धीरे धीरे करके टाइम बीतता है और शादी का दिन आ जाता है। अर्जुन और प्रीति फैसला करते हैं शादी करने का। इसी बीच उस दिन शादी वाले दिन भी जतिन इतना टाइम बीत गया लेकिन जतिन अब भी प्रीति को अपने मन से नहीं निकाल पाया तो वो ये सोचता है कि वो अर्जुन को ही अपने रास्ते से हटा दे। वो गुंडों को हायर करता है और ये बात तय होती है कि अर्जुन को मंडप तक नहीं पहुंचने देना। अर्जुन जिस गाड़ी से आ रहा होता है उस गाड़ी को फॉलो कर रहे होते हैं गुंडे। अब कुछ टाइम बाद ये पता चलता है कि करण की गाड़ी में अर्जुन आ गया था और अर्जुन की गाड़ी में करण है। इसी बीच गुंडों को लगता है कि करण ही अर्जुन है और वो उस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर प्रीति और अर्जुन दोनों करण का वेट कर रहे होते हैं। काफी समय बीत जाता है और उसके बाद अर्जुन फैसला करता है कि मैं करण को ढूंढ कर लाता हूँ। इसी बीच जतिन सही मौका देखकर प्रीति को किडनैप कर लेता है और उसके बाद वहीं वहां कार में करण की आंख खुलती है तो वो देखता है कि बाहर से गुंडे कार को धक्का मार रहे हैं खाई में। इसी बीच जब वो धक्का मार रहे होते हैं करण बाई चांस खिड़की का शीशा तोड़कर बच जाता है। इसके बाद करण और अर्जुन मिल जाते हैं और वो लोग मिलकर जतिन से लड़ते हैं प्रीति को छुड़ाने के लिए। तो ये था आज के वीडियो के लिए, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।